लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में जो झूले का सेक्शन है उसमें इतने प्रकार के झूले हैं कि अगर आप बच्चों को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लटकने वाला झूला है, यहाँ पर लोग लटक सकते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ये छोटे बच्चे बैठ करके झूल रहे हैं, इस तरीके से बैठ के भी झूल सकते हैं। ये देखिए, रस्सी के माध्यम से यहाँ बच्चों को चढ़ाया जाता है और फिर जब चढ़ जाते हैं तो फिर इधर या उधर सुरंग के माध्यम से निकल जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसके अलावा रस्सी वस्सी का क्या कुछ इंतज़ाम किया गया है। ये देखिए इस तरीके से, हालांकि ये सब रस्सियाँ टूट गई हैं, यहाँ पर आने के बाद में लोग रस्सियों के माध्यम से वहाँ से चढ़ते हैं, फिर रस्सियों के माध्यम से होते होते फिर इसमें आते हैं, इसके सुरंग से होते हुए फिर ये स्लाइड करते हैं। तो इस तरीके से बड़ा खूबसूरत सा इंतज़ाम किया गया है। ये देखिए, ये देखिए, कितना शानदार सा है। ये भी एक प्रकार का झूला है। ये क्या है ये तो समझ में नहीं आया, क्योंकि कहीं से इसके घुसने का रास्ता ही नहीं। ये तो खाली है, तो शो पीस में ऐसे लगा हुआ, तो हमको कहीं से इसका घुसने का रास्ता नहीं दिखा। मुझे लगता है ये केवल शो पीस में ऐसे लगा दिया गया है। ये रस्सियों वाला झूला है, इसमें बड़े लोग भी जाते हैं। जाते हैं, ये केवल बच्चे ही नहीं इसमें रहते हैं बल्कि इसमें बड़े लोग भी झूलते हैं। अगर आप देखेंगे तो देख पाएंगे। ये देखिए कितना शानदार है। ये देखिए, ये लेलून का, ये रस्सियों का है और इसमें केवल छोटे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी जा करके इसमें झूला झूलते हैं। ये पता नहीं किस तरीके से लगाया गया है, इसमें कुछ है नहीं स्लाइड करने के लिए, तो बेसिकली रॉड पे ही केवल आ सकते हैं। लड़का कह रहा है नहीं हो पाएगा। देखिए, ये भी एक स्लाइडिंग सिस्टम है, चढ़ने का अलग अलग तरीका बताया गया है, फिर उसके बाद चढ़ करके यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं। इसको झूला बना दिया गया है, छोटे बच्चे इसमें जा करके बैठ करके झूलते हैं। वाह, ये तो गिन्नी, घोड़ा घोड़ा घोड़ा, ये देखिए छोटे छोटे कैट के फॉर्मेट में, एकदम बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये है। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यहाँ पे ऐसे चढ़ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे और फिर इसके ज़रिए से स्लाइड कर जाएंगे। ये बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है, साल भर के लिए, डेढ़ साल के बच्चों के लिए। इस तरह के झूले बिल्कुल कॉमन है, हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी हैं, तो इसलिए कोई बहुत ख़ास बात नहीं है। लेकिन कुछ इस टाइप की चीज़ें थोड़ा सा एंटीक हैं, जैसे कि ये है, बड़ा शानदार सा लग रहा है हमको। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे चढ़ रहे हैं और ऐसे चढ़ने के बाद में फिर वहाँ से वो लोग स्लाइड करेंगे। वाह, यूनिक चीज़ है यहाँ का। देखिए बच्चे लगे हुए हैं, वाह वंडरफुल। उस तरीके से झूलने, पैर लटका करके झूलने का सिस्टम था, लेकिन अब टोकरी में बैठ के झूलने का सिस्टम है। देखिए वाह शानदार, ये देखिए जिस तरीके से पुल होता है, ये हैंगिंग ब्रिज टाइप का कुछ है, छोटे बच्चों के लिए बना दिया गया है। ये देखिए हैंगिंग झूला है ये, आराम से पकड़े रहना जी। हर तरह के झूले हैं जो कि आधुनिक से लेकर के ट्रेडिशनल भी हैं। अगर बच्चे यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, क्योंकि बच्चों के मनोरंजन के बहुत तरह के संसाधन यहाँ पर बनाए गए हैं और बच्चों के गार्जियंस के लिए भी आकर के यहाँ को एंजॉय कर सकते हैं, बैठ करके देख सकते हैं, एक तरीके से अपने बच्चों को यहाँ खेलता हुआ देख कर एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ।
ये ऐसे ये बेसिकली बच्चों के लिए ही है। बस हम तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बना रहे थे, तो कुल मिला के ये कहें ये टोटल डिबूट है पार्क बच्चों के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली झूले का पार्क है।